आप व्हाट्सएप यूज करते हो, आप फेसबुक यूज करते हो, आप इंस्टा यूज करते हो, और इसके बाद आप अगर ट्विटर यूज करते हो, राइट, आप अगर टेलीग्राम यूज करते हो, इतने सारे ये सोशल ऐड है, ये सोशल साइट है जो हम यूज करते हैं, राइट। अगर आपका व्हाट्सएप हैक होने से कैसे बचेगा, फेसबुक कैसे बचेगा, इंस्टाग्राम कैसे बचेगा, ट्विटर कैसे बचेगा और टेलीग्राम कैसे बचेगा, अब मेन बात हम ये करने वाले हैं। ये चीज आपकी कभी हैक नहीं होगी, लेकिन जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो बात आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, आपकी चीजें हैक होने से क्या होगी, बच जाएंगे। देखो व्हाट्सएप हुआ, चाहे आपका फेसबुक हुआ, चाहे इंस्टाग्राम हुआ, चाहे ट्विटर हुआ और चाहे टेलीग्राम हुआ, चाहे लिंक्डइन हुआ, अब आप इनमें से क्या यूज कर रहे हो, आप इनमें से व्हाट्सएप यूज कर रहे होंगे, अधिकतर कुछ लोग फेसबुक यूज कर रहे होंगे, कुछ इंस्टाग्राम यूज कर रहे होंगे, लेकिन ये तीन यूज नहीं कर रहे होंगे। टेलीग्राम, पहली बात तो टेलीग्राम उन सभी बच्चों को यूज करना चाहिए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, राइट। टेलीग्राम अभी से आदत में डाल लो, क्योंकि टेलीग्राम पर पढ़ने की सभी चीजें मिलती है, एक से एक व्यक्ति पढ़ाने वाले मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं पढ़ने के, तो टेलीग्राम तो आप स्टूडेंटों को सबको ज्वाइन करना चाहिए, समझ गए। लिंक्डइन, लिंक्डइन आप जब यूज करना, जब आप कंपनी में कुछ बन जाओ, जब आप कोई प्रोफेशनल जॉब कर रहे हो, तब ऐसी अवस्था में जो व्यक्ति जॉब करते हैं, जिनका कुछ ओहदा होता है, जो कुछ बन जाते हैं, तो वो क्या यूज करते हैं, लिंक्डइन यूज करते हैं, राइट। इसके अलावा ट्विटर वो लोग यूज करते हैं जो सेलिब्रिटी होते हैं, क्या होते हैं, सेलिब्रिटी, जैसे सलमान खान, राइट, जैसे काजोल हीरोइन, ये सब क्या है, सेलिब्रिटी है। जैसे अपने राहुल गांधी जी, ये भी सेलिब्रिटी है, जैसे अपने मोदी जी, ये भी एक सेलिब्रिटी है, ये सब मेरी बात को। तो ऐसी अवस्था में आप ट्विटर यूज कर सकते हो। अब आए इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक को वो सभी व्यक्ति यूज कर सकते हैं जो एंटरटेनमेंट करते हैं, एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन, जो मनोरंजन करना चाहते हैं, जो अपने समय को बिताना चाहते हैं, उनको लगता है कि हमारा समय यहाँ अच्छा बीत सकता है, नई नई बातें देखने को मिलती है, नए नए डांस मिल जाते हैं, नए नए रील मिल जाती है, तो वो इनको यूज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम फेसबुक को ज्यादातर लोग कौन यूज करते हैं, स्टूडेंट, समझिए, स्टूडेंट यूज करते हैं। अब आया व्हाट्सएप, व्हाट्सएप को दुनिया में सभी लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, सभी, चाहे सेलिब्रिटी हो, चाहे नॉर्मल हो, कोई भी हो। अब मैटर ये करता है, अगर ये चीजें हैक हो, अगर ये चीजें हैक हो जाएं, तो क्या होगा, आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है, समझे मेरी बात को, आपसे पैसे मांगे जा सकते हैं, आपसे कोई भी क्राइम करवाया जा सकता है, राइट। तो ऐसी अवस्था में हम इनसे कैसे बचेंगे, बचने का इनका सबका एक ही तरीका है, सबका एक ही तोड़ है, और उस तोड़ का नाम है, आपको ये याद रखना है, टू स्टेप सिक्योरिटी। अपने ट्विटर पर, अपने टेलीग्राम पर, अपने लिंक्डइन अकाउंट पर क्या लगा लो, टू स्टेप सिक्योरिटी लगा लो। दुनिया का बड़े से बड़ा हैकर भी आपकी इन चीजों को क्या नहीं कर सकता, क्या है, टू स्टेप सिक्योरिटी, ये दिमाग में बिठा लो। अभी फिलहाल आप सभी के पास फोन नहीं है, आप ये प्रैक्टिकल कर नहीं सकते, लेकिन फोन नहीं है, दिमाग तो है, दिमाग में ये बात बैठा लो, जब भी मैं एंड्रॉइड फोन यूज करूंगा और उसमें इन चीजों को यूज करूंगा, तो इन पे सबसे पहले क्या लगाऊंगा, टू स्टेप सिक्योरिटी लगाऊंगा। अगर मैं इन पे टू स्टेप सिक्योरिटी लगा लूंगा, तो अगर कोई व्यक्ति आपकी फेसबुक, आपकी जीमेल, आपका ट्विटर, आपका इंस्टाग्राम, आपका लिंक्डइन, आपका टेलीग्राम, अगर इन चीजों हैक करने की कोशिश करेगा, तो हैक नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि आपने क्या लगा रखी है, टू स्टेप सिक्योरिटी। आगे समझ में,
अब मेन पॉइंट अभी कितनों के पास फोन है भैया, आप उसे करो, मतलब दो ही व्यक्ति प्रैक्टिकल कर सकते।